भारतीय जनता पार्टी का शुरू से मानना है कि कांग्रेस पार्टी और भ्रष्टाचार ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कांग्रेस एंड करप्शन, दीज आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। और कांग्रेस भ्रष्टाचार के लिए जानी जाती है, कांग्रेस अनाचार के लिए जानी जाती है, कांग्रेस व्यभिचार के लिए जानी जाती है। कांग्रेस इज नोन फॉर करप्शन, कमीशन एंड क्रिमिनलाइजेशन। ये कांग्रेस का जिसे कहा जाए रीति नीति है जिस पर वो काम करती है। अभी अभी जो झारखंड के कांग्रेस के सांसद धीरज साहू के ठिकानों से जिस तरीके से पैसे निकल रहे हैं, नोटों की गड्डियां निकल रही हैं, आप सब लोगों ने तस्वीरों में ये देखा है कि किस तरीके से अलमारियों की अलमारियां विभिन्न स्थानों पर नोटों की गड्डियां, ब्लैक मनी, भ्रष्टाचार का पैसा, गरीबों का पैसा, मेहनत कश लोगों का पैसा जो चूस करके इन कांग्रेसियों ने इकट्ठा किया है उसका जीता जागता प्रमाण है। और अभी तो गिनती जारी है, अभी तो स्कोर चल रहा है, ये पता नहीं ये काउंटिंग कहां जाकर के रुकेगी। और यह तो यह टिप ऑफ द आइसबर्ग है, यह सिर्फ इनका एक छोटा सा नमूना है। कांग्रेस आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी है और ये बार बार आईटी, ईडी एजेंसीज इन पर आरोप लगाते रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और स्पष्ट रूप में राहुल गांधी से पूछना चाहती है कि धीरज साहू के ठिकानों से निकला हुआ काला धन, उस पर उनको क्या कहना है। ये सोनिया गांधी जी जो ईडी आईटी पर हमेशा कटाक्ष करती रही हैं, सेंट्रल एजेंसीज के बारे में प्रश्न उठाती रही हैं, आज हम जानना चाहते हैं, देश की गरीब जनता जानना चाहती है कि ये जो आज पकड़ाया है और जो मैंने कहा कि ये एक निमित्त मात्र है, यह तो शुरुआत है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने साफ कहा है कि हम किसी भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे।